बैजोई के छोटे फील्ड पर टूर्नामेंट मैच का उद्घाटन। जनपद संभल के बैजोई में छोटे फील्ड पर बसपा के प्रत्याशी रणविजय सिंह एडवोकेट ने फीता काटकर टूर्नामेंट मैच का उद्घाटन किया और बताया कि क्रिकेट हमारे देश की पहचान है, युवाओं का पसंदीदा खेल है। खेल के माध्यम से हमारे युवा देश प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करते हैं। और नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि इस मैच के माध्यम से अपने क्षेत्र में अपने देश का नाम रोशन करें। इस दौरान जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह एडवोकेट बैजोई, नगर पालिका चेयरमैन रमेश चंद बादशाह जब्बार हाजी, सभासद इरफान आजम चेतन, बॉबी रामकुमार, हितेश कुमार, कपिल कुमार मेंबर, गफरुद्दीन आदि मौजूद रहे। जैसा कि आपने यहाँ पर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्रिकेट हमारे देश की पहचान है, युवाओं का पसंदीदा खेल है और क्रिकेट के माध्यम से हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं देश प्रदेश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना नाम रोशन करते हैं और प्रदेश और देश का नाम रोशन करते हैं। आज के इस मौके पर मैं सभी साथियों को बधाई भी दूंगा और उसके साथ साथ नववर्ष की भी सब खिलाड़ियों को और सब यहाँ उपस्थित साथियों को नववर्ष 2022 की भी हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो नया वर्ष है ये सबके जीवन में खुशहाली लाए, सबको तरक्की दे, सबको स्वस्थ रखे, सबकी लंबी आयु हो। और जो आज इस टूर्नामेंट में टीमें भाग लेंगी उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूँ, उन सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अपने क्रिकेट के क्षेत्र में अपने शहर का, अपने जिले का और अपने प्रदेश के साथ साथ अपने देश का नाम रोशन करें। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। क्रिकेट बहुत अच्छा खेल है जिसे आज के युवा साथी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या किसी पार्टी विशेष के रूप में रखा गया है? नहीं, खेल कोई भी किसी पार्टी विशेष से नहीं होता, लेकिन ये लोकतंत्र है और जिसे जनता पसंद करती है उसे बुलाती है, जिसे प्यार देती है उसे बुलाती है। तो साथ ही आज मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला, इस खेल के मैदान पर इन सब साथियों के बीच में आने का मौका मिला तो मैं भी आज इस कार्यक्रम में पहुंचा हूं और सबका आभार व्यक्त करता हूं कि लोगों ने मुझे बुलाकर मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।